हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं पुष्पेंद्र डागर, आप देख रहे हैं एलियन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी मेरी आईफोन 8 प्लस के रिगार्डिंग, जिसमें क्या है कि वो गिरने की वजह से उसका बैक ग्लास डैमेज हो चुका है। आज हम उसको रिप्लेस करेंगे विदाउट लेजर मशीन के और ऑपरेशन ब्लेड से करेंगे एक्चुअली। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में किस तरीके से आपको करना है क्लियर पूरी। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, ये है आईफोन 8 प्लस, जिसमें क्या है कि ये बैक ग्लास डैमेज है। मैं इसको अभी रिपेयर करने वाला हूँ विदाउट लेजर मशीन के, बैक ग्लास चेंज करूँगा। तो आप देखते रहिए वीडियो, लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मैं ये बॉटम स्क्रू खोल लिए हैं इसके और स्क्रीन को केयरफुली निकालूँगा। क्यों? क्योंकि ये पहली बार खुल रहा, फर्स्ट टाइम फ़ोन ये ओपन हो रहा है, तो अच्छी इसकी पेस्टिंग हो रखी है स्क्रीन की और उसी तरीके से बैक ग्लास की भी अच्छी से इसकी पेस्टिंग हो रखी होगी आई थिंक। क्योंकि जब पहली बार किसी चीज़ को ओपन करते हैं, कंपनी रिलेटेड चीज़ को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के केयरफुली ओपन करता हूँ, जिससे इसकी स्क्रीन सेफ और अच्छे से निकल जाए। तो जैसे आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, मैं थोड़ा सा ब्लेड का यूज करता हूँ स्क्रीन निकालने में, मोस्टली आईफोन में, ठीक है। तो मैं इसको आराम से निकालता हूँ। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर छोटी गलती करते हो तो बड़ा नुकसान, आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना है और बड़े नुकसान होने से आपको बचाना है। तो बहुत केयरफुली आपको चीज़ें करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान आपको दे जा सकती है। आराम से डिस्प्ले को आपको निकालना है, ठीक है। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है और फ़ोन ऑन है, मैं आराम से निकालूंगा, ठीक है। फ़ोन मैंने डिस्प्ले निकाल ली है। अब मैं इसको सबसे पहले आपको बता दूंगा, लोग अक्सर कर गलती करते हैं कि शील्ड को खोलने के बाद लोग बैटरी कनेक्टर को ना निकाल कर डिस्प्ले कनेक्टर को डायरेक्ट निकाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को निकालना है, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर या फिंगरप्रिंट या सेंसर कनेक्टर को निकालना, जो भी कनेक्टर है वो आपको बैटरी कनेक्टर पहले निकालना, उसके बाद कोई कनेक्टर निकालना है। वीडियो थोड़ी सी मैं दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम रहता है लोगों के पास, हमारे पास ही समय कम रहता है। तो मैं छोटी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकूँ या समझा सकूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ सारे इसको खोल चुका हूँ। बोर्ड को आपको केयरफुली बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना, क्योंकि बोर्ड होता है पतला, कई बार कोई इसको रह जाता है इनकेस, तो बोर्ड वहाँ से बैंड हो जाता है। इंटरनली जो ट्रैक होते हैं उसमें साथ लेयर होते हैं बोर्ड, कोई भी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन प्रॉपरली डेड भी हो सकता है या कोई फंक्शन वर्क करना आपका बंद कर सकता है। आते हैं दोस्तों, ये है बैक ग्लास पर मैं काम करने लगा हूँ। अब तो मैं सर्जिकल ब्लेड की सहायता से इस बैक ग्लास को निकालूंगा। हॉट एयर गन से मैं एक लिमिटेड टेम्परेचर रखूँगा और लिमिटेड एयर रखूँगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसको निकालूंगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि आपका भी समय ज़्यादा बेकार ना करूँगा मैं, ठीक है। तो कैमरे की तरफ से मोस्टली आपको ध्यान देना है, कैमरे और ये जो बीच में वायरलेस कॉइल है, इसको बहुत सेफ्टी के साथ आपको देखना है और निकालना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैमरे का थोड़ा सा जगह छोड़ा है और इसको मैं बाद में निकालूंगा, थोड़ी सी केयरफुली निकालूंगा, पहले और बाकी चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो आपको बड़े आराम से निकालना, मेरा भी एक ब्लेड टूट चुका है, मैंने दूसरा ब्लेड यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ मैंने इस फ़ोन को उल्टा डबल टेप से चिपकाया है, क्योंकि अगर डबल टेप से नहीं चिपकाऊँगा तो फोन इधर उधर हालेगा। तो बेटर है कि आप डबल टेप से चिपका लें और आराम से नॉर्मल हीट पे इसको गर्म करें। एक ध्यान देना है आपको कि बोर्ड में से सारे, मतलब फ़ोन में से बोर्ड वगैरह, कैमरा वगैरह निकाल लें। मैंने इसको कर लिया प्रॉपर साफ, ग्लू का से इसको मैं चिपकाऊंगा ग्लास को और इसको कर लूँगा प्रॉपर तरीके से फिट। दोस्तों, यही प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है,
केयरफुली चीज़ों को करना है, आराम से हो जाएगी, कोई जल्दबाजी ना करें, थोड़ा 10-15 मिनट फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आप केयरफुली करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होंगी चीज़ें और अच्छी होंगी। ठीक है, मेरे यहाँ पे ग्लास की फिटिंग एकदम जेन्युइन फिटिंग आई है, ना कोई कर्व है कहीं से, कुछ भी नहीं है, एकदम जेन्युइन फिटिंग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोर्ड को इंसर्ट कर लिया है, बैटरी मैंने रिमूव की थी, तो मैं दो टेप की माध्यम से यहाँ बैटरी को चिपकाऊंगा क्योंकि बोर्ड में बैटरी ना हाले। तो आप सारी चीज़ें प्रॉपरली करनी है क्योंकि कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ जेन्युइन काम हुआ है मेरे फ़ोन पर। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप डिस्प्ले इंसर्ट करो तो सबसे पहले बैटरी का कनेक्टर ना लगाएं, पहले सेंसर लगाएं या फिर डिस्प्ले लगाएं, जैसे आपकी मर्जी, डिस्प्ले का कनेक्टर लगाएं, सेंसर का कनेक्टर लगाएं, सारे कनेक्टर लगाने के बाद ही बैटरी का कनेक्टर लगाएं, उसके बाद बैटरी की शील्ड लगाएं, फिर प्रॉपरली फोन को पैक करें। एक्चुअली होता क्या है, कई बार दोस्तों सबसे पहले बैटरी का कनेक्टर हम लगा देते हैं तो उसमें कुछ वोल्टेज ऐसी होती हैं जो ऑलवेज होती हैं, मतलब बैटरी का कनेक्टर डालते ही वो वोल्टेज पूरे सेट में फैलती है, कुछ वोल्टेज होती है, डीपली मैं बताऊंगा नहीं इस वीडियो में, किसी और वीडियो में बताऊंगा, या कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं जैसी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। अभी तो मैं यहाँ सोल्यूशन की वीडियो दे रहा हूँ, मैंने एक कोर्स वीडियो रखी थी कंप्लीट मोबाइल कोर्स के बारे में लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन ख़त्म होती मुझे जॉब पर वापस आना पड़ा, मैं वो कंप्लीट नहीं बना पाया पूरी कोर्स की सीरीज, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कंप्लीट कोर्स की सीरीज भी बनाऊँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल सोल्यूशन पर काम चल रहा है, जितने भी सोल्यूशन हो सकता है मैक्सिमम मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर भी आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कॉल करके या मैसेज या ईमेल जैसे भी आपको उचित लगे वैसे बता सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा जितना अपना बेस्ट देने की मैं कोशिश करूँगा, हम मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं लेकिन फिर भी मैं अपना थोड़ा थोड़ा समय आपको निकाल के सोल्यूशन या आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। और किसी को पर्सनली कॉन्टेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपके मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा। तो ये मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन हो गया मेरा ऑन, तो ये सारी चीज़ें केयरफुली हो चुकी हैं, कहीं पे कोई कैसी दिक्कत नहीं आई, मैं प्रॉपर तरीके से फ़ोन को अपडेट कर दूंगा, स्क्रीन को लगा दूंगा, इतना सा दोस्तों प्रोसेस है। अब इसमें थोड़ी सी हड़बड़ करेंगे, थोड़ी सी भी जल्दी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, हमें चीज़ें बिगाड़नी है, केयरफुल करनी है और चीज़ों को सही तरीके से करना है जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारे पास कस्टमर दोबारा आए, उसको लगे कि हाँ हमने जहाँ पे अपना फ़ोन रिपेयर कराया है वहाँ पे जेन्युइन तरीके से काम होता है या हमारे फ़ोन के साथ जेन्युइन तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है। ये इसकी फिटिंग मैंने प्रॉपरली की है, एकदम जेन्युइन, और इसके ऊपर मैं कुछ रबर बैंड डाल दूँगा और कुछ करके इसको रख दूँगा ऐसे ही, जिससे कि फ़ोन प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगा और कस्टमर को हैंड ओवर कर दूँगा। इतना सा ही प्रोसेस है, आप अच्छी तरीके से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें, ईमेल करें, मैं आपकी क्वायरी का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक करें, सेव करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।